And welcome back. Myself, Bleeming Therapy. I'm Neha, and today discuss about first situs anterior muscles. Situs anterior जो muscles होते हैं वो pectoral region की ही muscles होती है. ये जो muscles है एक type का functions कराते हैं जो कि pushing या punching movement होते हैं. जब भी हम कोई ऐसा movement करते हैं जिसमें क्या है force लगाना पड़ता है या हम weight bear करते हैं तो ये जो muscles होती है ये stress रखती है और हमें functions कराने में help कराती है. जो इस मसल्स को हम अनदर नाम जो बोलते हैं वो बॉक्सर मसल या स्विमर मसल्स. सो साइटस एंटीरियर मसल्स इज आल्सो कॉल्ड बॉक्सर मसल्स एंड स्विमर मसल्स. तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑरिजिन क्या कहाँ से होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इंसर्शन एंड देन नर्व सप्लाई एंड देन एक्शन ऑफ द साइटस एंटीरियर मसल्स एंड लास्ट हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे. तो ऑरिजिन जो होता है साइटस एंटीरियर मसल्स का वो हमारे मिड एक्सिलरी लाइन के पास जो हमारी रिप्स प्रेजेंट होती है 1 to 8 रिप्स होती है. अपर जो 8 रिप्स होती है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है साइटस एंटीरियर मसल्स का ऑरिजिन. सो अराइज फ्रॉम 8 डिजिटेशन, उसके 8 डिजिटेशन होते हैं एंड फ्रॉम 8 अपर रिप्स इन मिड एक्सिलरी प्लेन. सो मिड एक्सिलरी प्लेन जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं तो ये हमारी स्टर्नम का मैनुबियम हो गया, ये हमारी स्टर्नम हो गई. तो यहाँ से 1 to 8 जो रिप्स फॉर्म होती है वहाँ से ये मसल्स का ऑरिजिन होता है और हमारी मिड एक्सिलरी लाइन मीन्स एक्सिला के बीच की जो लाइन होती है मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ से पास करते हुए एंड इंसर्शन देखने को मिलता है हमारे स्कैपला की कॉस्टल सरफेस पे. तो स्कैपला की कॉस्टल सरफेस पे देखते हैं इंसर्टेड इन टू कॉस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपला अलॉन्ग विथ मीडियल बॉर्डर. तो ये क्या हो गया, हमारी स्कैपला बोन हो गई. यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका लेटरल बॉर्डर हो गया, इसका मीडियल बॉर्डर हो गया. तो जो मिडल बॉर्डर होता है वो हमारे सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल लाइज करता है. तो जो साइटस एंटीरियर मसल्स होते हैं ये मिडल बॉर्डर पे इंसर्शन होता है इसका, फर्स्ट डिजिटेशन, सेकंड डिजिटेशन एंड 5 to 8 डिजिटेशन. जो फर्स्ट डिजिटेशन होता है, फर्स्ट डिजिटेशन इंसर्ट सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ स्पाइन. तो जो हमारी सुपीरियर एंगल हो गया यहाँ पे रूट ऑफ स्पाइन होती है तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिटेशन का इंसर्शन देखने को मिलता है. एंड नेक्स्ट टू डिजिटेशन आर इंसर्टेड इन मिडल बॉर्डर. तो जो नेक्स्ट टू होते हैं वो हमारे मिडल बॉर्डर पे इंसर्ट होते हैं एंड लोअर 5 डिजिटेशन जो फर्स्ट टू के बाद जितने भी सारे डिजिटेशन बचते हैं वो हमारे जो भी लोअर 5 डिजिटेशन होते हैं वो इंसर्ट होते हैं हमारे इन्फीरियर एंगल पे. स्कैपला का ये इन्फीरियर एंगल हो गया. तो यहाँ पे मसल्स जो साइटस एंटीरियर मसल्स होती है इसका इंसर्शन देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नर्व सप्लाई के बारे में. जो नर्व सप्लाई करती है वो हमारी C5, C6, C7 इट आल्सो कॉल्ड लॉन्ग थोरेसिक नर्व. तो C5, C6, C7 तीनों ही नर्व्स होते हैं वो सप्लाई करती है इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व. एंड जो C5 जो नर्व होती है वो नर्व रूट होती है वो सप्लाई करते हैं हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिटेशन. एंड C6 जो रूट सप्लाई होते हैं नर्व रूट सप्लाई होते हैं वो थर्ड एंड फोर्थ डिजिटेशन को सप्लाई करती है. एंड C7 जो नर्व होती है वो सप्लाई करते हैं हमारे 5 to 8 डिजिटेशन. जो डिजिटेशन थे वो 3 टाइप से डिवाइड थे, फर्स्ट डिजिटेशन, सेकंड डिजिटेशन, नेक्स्ट सेकंड एंड लोअर 5 डिजिटेशन. तो उसी के अकॉर्डिंग ही नर्व सप्लाई भी डिवाइडेड होती है फर्स्ट डिजिटेशन के लिए C5 एंड सेकंड टू जो होते हैं 3 एंड फोर्थ C6 सप्लाई करते हैं एंड लास्ट के जो 3 होते हैं C7 सप्लाई करते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके एक्शंस क्या क्या होते हैं. जो साइटस एंटीरियर मसल्स होती है वो क्या करती है कि स्कैपला को फॉरवर्ड मूवमेंट कराती है एंड प्रोट्रैक्ट कराती है अपर लिम्ब को. तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है मूवमेंट कराने में स्कैपला को, हमारा अपर जो अपर लिम्ब को चेस्ट को प्रोट्रैक्ट कराने का. तो फर्स्ट इज पुशिंग एंड पंचिंग मूवमेंट. जब भी हम कोई पुशिंग या पंचिंग मूवमेंट कराते हैं तो उसमें साइटस एंटीरियर मसल्स का रोल होता है. जब भी कोई वेट वेयर या भारी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम वियर करते हैं तो उस टाइम भी साइटस एंटीरियर मसल्स होती है हमारे स्कैपला को एंड हमारे क्लैविकल को स्टडीज करके रखती है. और जब भी पंचिंग मूवमेंट हो गया, बॉक्सिंग मूवमेंट होगा तो इसलिए हम इस मसल्स को बॉक्सिंग मसल्स कहते हैं. सेकेंड पॉइंट, इट रोटेट द स्कैपला सो डैट क्लिनॉइड कैविटी. और ये इसका फंक्शन होता है हमारे स्कैपला को रोटेट कराना, रोटेट कराती है, प्रोटेक्ट कराती है. इसलिए जो इसका फंक्शन है रोटेट कराना स्कैपला को. एंड नेक्स्ट इज मसल स्टडीज द स्कैपला ड्यूरिंग वेट कैरिंग. जब भी हमारी मसल्स होती है मतलब जब भी हम वेट कैरी करते हैं तो उस टाइम ये मसल्स होती है हमारे स्कैपला को स्टडीज कराती है. नेक्स्ट हमारा जो एक्शन है
हेल्प एंड फोर्स इंस्पिरेशन, और ये हेल्प करती है हमें इंस्पिरेशन करने में, सांस को अंदर लेने में ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये तो हमारे एक्शन थे इस मसल्स के। सो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये हमने साइटो सेंटर मसल्स का डायग्राम बनाया है। ये हमारे जो मसल्स अप्लाई हो रही, ये जो हमारे हैं ये कॉस्टल कॉटलेज है, मीन्स हमारे फर्स्ट टू एट डिजिटेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एंड नेक्स्ट, ये हमारा जो हो गया ये हमारे एट रिब्स है। एट रिब्स से जो सप्लाई होती है हमारे फर्स्ट जो ऑरिजन करती है साइटो सेंटर मसल्स एंड मिड एक्सिलरी लाइन से होते हुए, ये इंसर्शन आप देख सकते हैं स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे। ये सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल फर्स्ट डिजिटेशन होता है एंड सेकेंड थर्ड डिजिटेशन एंड लास्ट के फिफ्थ टू एट डिजिटेशन पर इंसर्शन देखने को मिलता है। सो हम देखते हैं क्लिनिकल अनाटमी साइटो सेंटर मसल्स की। जो साइटो सेंटर मसल्स होती है, जब भी यहाँ पे इसके मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है या हम ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर देते हैं, तो साइटो सेंटर मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो हमें बिंगिंग ऑफ स्कैपुला के भी चांसेस देखने को मिलते हैं। जब ये मसल्स होती है पैरालिसिस हो जाती है तो स्कैपुला बिंगिंग हो जाता है, मीन्स जो हमारा इन्फीरियर एंगल होता है स्कैपुला का और जो मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का, वो मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाता है। सो बिंगिंग ऑफ स्कैपुला में होता है क्या है, जैसे हमारे जो ये जो बॉर्डर था ये सुपीरियर एंगल था, ये इन्फीरियर एंगल था, और ये हमारी जो स्कैपुला बोन हो गई, तो ये जो ये होता है यहाँ पे क्या होता है कि ये जो साइटो सेंटर मसल्स का यहाँ इंसर्शन था, यहाँ पे पैरालिसिस हो गया, तो पैरालिसिस होने की वजह से यहाँ के जो मसल्स हो गई वीक हो गई, तो ये जो हमारा एंगल है सुपीरियर एंगल इन्फीरियर एंगल एंड मीडियल बॉर्डर, तो ये प्रोमिनेंट हो जाता है। मीन्स जब भी हम कोई वर्क करते हैं, जैसे हम पुशिंग द बॉल, जब पुशिंग करते हैं बॉल को, तो उस टाइम हमें देखने को मिलता है स्कैपुला का जो मिडल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, पर जब मसल्स पैरालिसिस हो जाते हैं तो अनड्यूली प्रोमिनेंट हो जाता है और तो अनेबल हो जाता है डू एनी पुशिंग, हम पुशिंग मूवमेंट नहीं कर पाते हैं मसल्स पैरालिसिस होने की वजह से। तो आप देख सकते हैं बिंगिंग ऑफ स्कैपुला इन विच द इन्फीरियर एंगल एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला आर अनड्यूली प्रोमिनेंट टू अनेबल डू एनी पुशिंग। सो ये हमारा था क्लिनिकल एनाटमी साइटो सेंटर मसल्स की। आई होप आपको समझ आया होगा साइटो सेंटर मसल्स के बारे में। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कीप लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।